everyone. This is Danish Singh from Mars Academy. Today we are going to learn one advanced structure. यानी आज हम एक advanced structure सीखने जा रहे हैं और कुछ इस तरह के sentence English में बोलने जा रहे हैं. जैसे बहुत सारे काम होते हैं या बहुत सारे इंसान होते हैं जिनसे ना हम छुटकारा पाना चाहते हैं. क्या पाना चाहते हैं? छुटकारा. जैसे कि आप अपनी खराब इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहते हो, खराब ग्रामर से छुटकारा पाना चाहते हो, लिखने से छुटकारा पाना चाहते हो, किसी इंसान से छुटकारा पाना चाहते हो, कुछ करने से छुटकारा पाना चाहते हो. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम करने से क्या छुटकारा पाना चाहते हैं. तो आज ही ना हम इसको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे. क्या सीखेंगे? इंग्लिश में बोलना. तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ, RID, रीड. गेट रीड ऑफ क्या सीखने जा रहे हैं? गेट रीड ऑफ. अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कैसे. तो आपको बोलना है आई वॉन्ट टू, यानी मैं चाहता हूं गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. तो ऑफ के बाद आपको करना क्या है? अगर कोई नाम है तो आपको वो नाम एड कर देना है, और फिर अगर वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है. सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ नाम. अगर कोई वर्ब है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. जैसे कि मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ राइटिंग. मैं बोलने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग. मैं अपनी खराब इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड इंग्लिश. मैं अपनी खराब ग्रामर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड ग्रामर. सो अब जैसे अगर कोई इंसान है उससे बोलना है, जैसे मैं राहुल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ राहुल. मैं रोहित से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ रोहित. मैं शाहरुख से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ शाहरुख. अगर कोई चीज है, जैसे कि कोई किसी को लत है दारू पीने की, तो अगर वो बोलना चाहता है कि मैं दारू से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो बोलेगा आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ वाइन. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ वाइन. तो ऐसे कौन कौन से काम है या ऐसा कोई इंसान है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें. अगर हमें पूछना है किसी से क्वेश्चन कि भाई क्या आप इस चीज से या इस काम से या इस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको बोलना है डू यू वॉन्ट टू. क्या बोलना है? डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. जैसे क्या आप लिखने से छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ राइटिंग. क्या आप बोलने से छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग. क्या आप दारू से छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ वाइन. क्या आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ देम. क्या आप उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट गर्ल. सो आप जिन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो. ऐसा कोई काम जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो. अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और सभी के साथ इसको शेयर करें, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.